मुबारक हो। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे अपने सफ़र के बारे में? बिग बॉस में काफ़ी खट्टी मीठे शेड्स रहे हैं आपके साथ। हाँ, भयानक तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन बोलते हैं ना कि वो बादल छट गए और वो क्या उजाला हो गया समथिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आने के बाद। जो अंदर इतना इतने पेशेंस रखे, इस तरीके से मैंने खेला है, बाहर आने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है। जो जो है फल मिल गया आपके, सब्र का फल मिल गया ऐसा। किचन क्वीन बन के रह गई आप वहाँ पर, और माँ का भी टैग मिला है आपको, तो इस दोनों के साथ क्या कहना चाहेंगे? किचन में काफ़ी वक्त आपने गुजारा है, वहाँ पर नहीं, मुझे कुकिंग वाकई में अच्छा लगता है। और अगर मैं कुछ चीज़ करती हूँ तो दिल से करती हूँ, मैं बिल्कुल दिखावे के लिए नहीं कर सकती। मुझे लोगों को खाना खिलाना भी पसंद है और मुझे खुद खाना भी पसंद है। लेकिन वहाँ पर हाँ, अंदर मुझे किचन क्वीन का दर्जा नहीं मिला, तो बाहर आप लोगों ने, मेरे फैंस ने मुझे दिया, जिसके लिए मैं सच में बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने समझा एग्जैक्टली कि शिल्पा शिंदे क्या है, कोई कितना दिल से करता है। और शायद मैंने वो दिल से किया था, इसलिए अंदर भी मुझे उन्होंने माँ बोला। पता नहीं मुझे बड़ा दिखाने के लिए माँ बोला, खुद को छोटा दिखाने के लिए माँ बोला, लेकिन मैंने उस शब्द को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि माँ सच में बहुत अपने में अलग वो है। लोगों का लोगों की सोच है कि माँ सिर्फ जो कोख से जन्म देती है वो माँ होती है, ऐसा नहीं होता। जो दिल से करता है, जो एक्चुअली कोई चीज़ अपने दिल से करता है, तो वो उसको माँ बोला गया है। जैसे कोई माँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, मैंने एक्चुअली घर के अंदर किसी से कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, बस जैसे एक माँ करती है मैंने वैसा ही किया। बिल्कुल वही मैं कहना चाहूँगी। आज मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मुझे अगर शिल्पा शिंदे को बनाया तो आई थिंक बिग बॉस ने बनाया। और अलग ही खुशी होती है कि आपको आपके कैरेक्टर के नाम से लोग जानते हैं, और शायद मेरे कैरेक्टर को पसंद करते मुझे नहीं, लेकिन ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि अभी शिल्पा को लोग पसंद कर रहे हैं। ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो है, एक फिल्म स्टार की तरह फील हो रहा है एक्चुअली। आपने भी कभी सोचा था कि बिग बॉस में जाने साथ की लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी? जो चीज़ आपके लगी हुई थी, जो बातें वो सब भी क्लियर आउट हो जाएगी? मैं सीरियसली बताऊँ, मैं इस शो को कभी नहीं करना चाहती थी। आनंद जी है इंडी मॉल के, जो फर्स्ट सीजन से अब तक इस बिग बॉस को हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला था आप बस कर लो, बाहर आओ और देखो क्या दुनिया है, आपको अलग दिखेगी। और मैंने तब उनको ऐसे ही कहा था, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो उन्होंने बोला था वो सच हुआ, सच हुआ। घर में कोई भी चीज़ मेरी अच्छी बुरी उनको कभी अच्छी लगी नहीं, किसी चीज़ को अप्रिशिएट किया नहीं घर वालों ने, तो घर वालों की बात तो करना अभी कोई मतलब ही नहीं है। और सलमान, मेरे ख्याल से मैं इस शो को कर रही थी सलमान जी की वजह से, क्योंकि मुझे ख़ास बोला गया था कि सलमान जी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, वो खुद सारे एपिसोड्स बिग बॉस के देखते हैं और ख़ुद अपना ओपिनियन रखते हैं। तो मेरे लिए मैंने इसी बेसिस पे मैंने बिग बॉस किया कि सलमान जी जो देखेंगे जो करेंगे सच बोलेंगे, तो मैं अगर जो हूँ, मैं अगर सच्ची हूँ या मैं गलत हूँ उसका उस तरीके से, और वो सच में हुआ, सच में हुआ। आई थिंक मैंने ऐसे कोई गलती नहीं की जिसको सलमान जी ने कवर अप किया हो। हर चीज़ को जो मैं दिखी हूँ, उन्होंने वैसा ही मेरा पक्ष रखा है, और ये सबसे बड़ी बात थी। मेरे इतने सारे फैंस, आई थिंक मुझे उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी मुझे मिली है जिस तरीके ने उन्होंने मेरा पक्ष रखा। टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत चंद लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया, इस पे क्या कहना? सी, मैं इस पे कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने पहले तो जो खुल के आगे आकर मुझे सपोर्ट किया, उनको मैं हेड्स ऑफ करूँगी, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक आर्टिस्ट हैं जो सपोर्ट करना चाहते भी हैं लेकिन नहीं बोल पाए।
तो वो एक अंदर उनका काम करने का काम कर रहे तो डर है। मैं हमेशा सबको यही बोलना चाहती हूँ कि काम आपको आपकी किस्मत देती है, आपकी मेहनत देती है, आपकी अंदर की स्ट्रेंथ आपको काम देती है, प्रोड्यूसर काम नहीं देता। आज मुझे ऑब्वियसली बिग बॉस जिस तरीके से ऑफ़र हुआ और दिया, वो मेरे जो भी कंट्रोवर्सी थी या जो चीज़ें हुई उसकी वजह से हुआ। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउट बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन काम आपकी किस्मत आपको देती है। तो डरने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं, जो सच है वो सच बोलो। तो उनके क्या प्रॉब्लम्स रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं मैं कैसी हूँ। तो मेरे अगेंस्ट जाकर मुझे सपोर्ट नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, शायद नहीं बोल पाए इसीलिए हो सकता है। लाइव वोटिंग की बात करें तो काफ़ी दिनों बाद उस बिग बॉस में घर से बाहर निकलने के बाद लोगों की इतनी तादाद में आपके फेवर में देखना, तो किस तरह शिल्पा शिंदे को? बाप रे, मुझे ऐसा वही लग रहा है कि मुझे एक फिल्म स्टार की तरह महसूस हो रहा है। मैं एक टीवी आर्टिस्ट बन के रह गई थी, एक कैरेक्टर में बन के रह गई थी। जितना प्यार दिया है इन्होंने मुझे, आई थिंक जितना भी मैं थैंक्स बोलूँगी उतना कम है। तो विनर है अब शिल्पा शिंदे जी, अब क्या आपके प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाहेंगे, अब कैसे फैंस को आपके ज़रिए? एक्चुअली मैं उनसे वही एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने एक बहुत बड़ा शो कर लिया है और एंटरटेन लोगों को उस तरीके से एंटरटेन किया है, तो मुझे कुछ मैं भी ऐसे चीज़ों का इंतज़ार करूँगी जिससे मैं अपने फैंस को डिसअपॉइंट ना करूँ और उनके लिए कुछ अच्छा करूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं पाइपलाइन में है, लेकिन मैं क्वालिटी वर्क पर बिलीव करती हूँ। डेफिनेटली कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अभी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है कि मैं इससे भी कुछ अच्छा करूं। तो आई होप मैं अच्छा करूं और मुझे मेरे लिए प्रे करें कि डेफिनेटली कुछ और अच्छा मिले जो मैं करूं। शिल्पा की तरफ से विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं अपने सारे व्यूअर्स को फैंस को ये कहना चाहूँगी कि आप खुश रहो, स्ट्रांग रहो और दुनिया में जितना प्यार बांट सकते हो बांटो, गुस्से को मत लेकर चलो। रिपब्लिक के डे पे स्पेशली आप जिनको आपकी ज़रूरत है उनको सपोर्ट करो, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करो। थैंक यू सो मच।